प्रिय किसान बंधुओं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरी खाद के बारे में। हरी खाद क्या है, हरी खाद उपयोग के फायदे, हरी खाद के रूप में ढांचा और बिहार सरकार कृषि विभाग से 90% अनुदान पर ढांचा बीज कैसे हमारे किसान बंधु प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आज इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हरी खाद। हरे ताजे पौधे मुख्यतः दलहनी फसलों को खेत में जोतकर एवं पलटकर मिट्टी में मिला देना, जिससे मृदा की भौतिक संरचना एवं उर्वरा में सुधार हो, हरी खाद कहलाता है। खेत में हरी खाद डालने का उद्देश्य जो होता है वह है मृदा में फसलों के लिए नत्रजन की वृद्धि करना तथा मिट्टी में कार्बनिक मात्रा को बढ़ाना है। फसलों में मुख्यतः दलहनी फसलें ली जाती हैं जो वायुमंडल के नत्रजन को राइजोबियम के साथ मिलकर जमीन में स्थिरीकरण भी कर सके। हरी खाद के लिए फसलों में मूंग, ढैंचा इत्यादि मुख्य रूप से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। खेतों में हरी खाद उपयोग के फायदे के बारे में चर्चा करते हैं। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की आपूर्ति। हरी खाद के प्रयोग से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की आपूर्ति होती है। हरी खाद के कार्बनिक अवशेष मृदा संरचना की स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होते हैं, जो पौधों की उचित बढ़वार के लिए जरूरी है। हरी खाद से प्राप्त ह्यूमस मृदा की जल धारण क्षमता के साथ मृदा में हवा के आदान प्रदान को बढ़ाता है, साथ ही मृदा संरचना में सुधार कर मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। नत्रजन में वृद्धि। दलहनी फसलों का उपयोग करने पर राइजोबियम के साथ वायुमंडलीय नत्रजन का जमीन में स्थिरीकरण करता है, साथ ही मिट्टी में सड़ने पर नोड्यूल्स में उपलब्ध नाइट्रोजन आगामी फसलों के लिए उपलब्ध होते हैं। मृदा संरक्षण। हरी खाद कवर क्रॉप के रूप में कार्य करती है, जिससे भूमि का क्षरण नहीं होता तथा साथ ही यह फास्फोरस तथा अन्य तत्वों को आगामी फसलों को भी उपलब्ध कराता है। हरी खाद के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली दलहनी फसलों की जड़ें काफ़ी गहराई तक जाती है, जिससे मिट्टी ढीली हो जाती है और हवा का आदान प्रदान मिट्टी में बढ़ जाता है। खरपतवार का नाश। जैविक खेती में हरी खाद का उपयोग खरपतवार का नाश करने के लिए भी किया जाता है। यह अधिक बढ़वार के कारण अधिक स्थान तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करती है, जिससे खरपतवार को बढ़ने का अवसर कम मिल पाता है, जिससे खरपतवार की संख्या कम या फिर नगण्य हो जाती है। कीट व्याधि प्रबंधन। कुछ हरी खाद वाले फसलें विभिन्न प्रकार के लाभकारी सूक्ष्म जीवों को पोषित करते हैं, जिनकी वजह से विभिन्न प्रकार के मृदा जनित रोगों के लिए अतिथ्य विमुख वातावरण बन जाता है। हरी खाद का प्रयोग लाभकारी शिकारी कीटों यानी कि किसान मित्र कीटों को आश्रय प्रदान करता है, जो दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों को भी खा जाता है। पीएच को कम करके मृदा क्षारीयता को कम करता है। प्रिय किसान भाइयों, हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही अपना सुझाव जरूर कमेंट करें। ढैंचा की खेती से क्या लाभ मिलता है? ढैंचा फसल कम लागत में अच्छी हरी खाद का काम करती है। इससे भूमि को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है। ढैंचा की पलटाई कर खेत में सड़ाने से नाइट्रोजन, पोटास, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, लोहा आदि तमाम प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे फसलों की पैदावार तो बढ़ती है, साथ ही कम रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कृषि की लागत भी हमारी कम हो जाती है, जिससे किसानों को अगली फसल में कम यूरिया की आवश्यकता होती है। ढैंचा हरी खाद को यूरिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इससे भूमि में कार्बनिक पदार्थ बढ़ने से भूमि व जल संरक्षण तथा संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिलने से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है।
बिहार सरकार राज्य में भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए ढांचा फसल की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार किसानों को 90% अधिकतम 6300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से ढांचा के ऊपर अनुदान देगी। शेष 10% राशि किसानों को भुगतान करना होगा। योजना के अनुसार किसान को 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिकतम 1 हेक्टेयर के लिए ही बीज दिए जाएंगे। ढांचा बीज का मूल्य 8000 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। बिहार राज्य के किसान को ढांचा का बीज प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसान यह आवेदन अपनी सुविधा के अनुसार वसुधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, साइबर कैफे, स्वयं के एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। इच्छुक किसान अनुदानित दर पर ढांचा फसलों के बीज प्राप्त करने हेतु 12 मई 2023 तक डीबीटी पोर्टल के लिंक dbtagriculture.bihar.gov.in या brbn पोर्टल brbn.bihar.gov.in से किसान रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि विभाग से घटाई बढ़ाई जा सकती है। ऑनलाइन होने के बाद किसान रजिस्ट्रेशन पर अंकित मोबाइल नंबर यानी निबंधित मोबाइल पर OTP या डिमांड नंबर जाएगा, जिसको बताकर अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि का भुगतान कर बीज वितरण स्थल से ढांचा बीज किसान बंधु प्राप्त कर सकेंगे। प्रिय किसान बंधुओं, यह बात सुनिश्चित कर लें कि आपके किसान रजिस्ट्रेशन पर जो मोबाइल नंबर अंकित है वह चालू हालत में होना चाहिए, तभी डिमांड नंबर या OTP जाएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे विषय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम एवं वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।